सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द होटल। ये है लेमन ट्री मेरे पीछे एंड अराउंड एक घंटा लगा पहुंचने के लिए और एयरपोर्ट के पास में, बट हमें एयरपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज हम लोग तो यहीं से ज्वाइन करने वाले मुंबई से। अभी चेक इन को थोड़ा टाइम लगेगा, उन लोग बोल रहे 2 बजे तक रूम खाली होगा। ऑफिस में फ़ोन किया है मैंने, बोला उनको यार 2 घंटा भी क्या करें, देखते अभी वेट करते कब होगा चेक इन पता नहीं, मैं आपको बताता हूँ रूम कैसा है क्या है। तो फाइनली रूम मिल गया है। नीचे एक्चुअली क्या हुआ था कि ये जो हमें रूम दिया है ये एक्चुअली एक आइसोलेशन एरिया है जो हमें रूम्स दे रहे हैं। जो नॉर्मल लोग आ रहे हैं उनकी नॉर्मल बुकिंग हो रही है, तो हमें वेट कराया गया काफ़ी टाइम हुआ 1 घंटा। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना वेट क्यों करा रहे हैं, हमारे पीछे लोग आ रहे हैं उनको रूम मिल गया हमें नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि उनके जो रूम है उनका फ्लोर अलग है, आप लोग का आइसोलेशन है क्योंकि क्वारंटीन है, आप ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपके लिए अलग रूम्स है। तो वो रूम जैसे जैसे एम्प्टी हो रहे हैं खाली हो रहे हैं तो हम उसको क्लीन करके सैनिटाइज करके आपको दे रहे हैं, इसलिए टाइम लग गया और उन्होंने सॉरी भी कहा उसके लिए। ठीक है वो तो चल जाता है, मुझे सिर्फ रीज़न जानना था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। और मुझे रिसेप्शन पे बोला गया कि मुझे अलग रूम मिला है, बड़ा रूम मिला है, स्वीट मिला है उन्होंने कहा है। तो काफ़ी खुश हुआ मैं वो देख के। पर्क्स ऑफ बीइंग चीफ ऑफिसर, मोस्टली ऐसा होता है अगर आप मास्टर चीफ ऑफिसर या टॉप 4 में हो तो आपको अगर कहीं पे रूम्स होता है, जैसे फ़्लाइट में कभी कभी आपको मिल जाता है, आपको अपग्रेड किया जाता है बिजनेस क्लास के लिए, वैसे कभी कभी यहाँ पे भी हो जाता है ऐसा। तो इसलिए मुझे बड़ा रूम मिला है। नॉर्मल जो लोगों को बाकी लोगों को रूम मिला होगा वो स्टैंडर्ड साइज़ का रूम होगा, ऐसा एक सोफ़ा वगैरह नहीं होगा, नॉर्मल रूम होगा। तो काफ़ी खुश हूँ मैं। एंड जॉइनिंग का ऐसा है कि मैंने कॉल किया था ऑफिस में तो उन्होंने कहा कि 2 दिन का क्वारंटीन है, शायद कल भी हम यहीं होटल में रुकेंगे एंड देन डे आफ्टर टुमारो हमारी जॉइनिंग होगी। कल कोविड टेस्ट होगा ऐसा बोला गया, कब होगा पता नहीं। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर जैसे मैंने बाहर बताया वैसे टेबल्स रखे हर एक रूम के बाहर उन्होंने, तो हर एक रूम के मास्क निकाल देता हूँ मैं। तो हर एक रूम के बाहर एक टेबल रखा हुआ है, वो टेबल पे वो लंच ब्रेकफास्ट और डिनर वहीं पे रखे जाएंगे। टाइमिंग्स मैंने ले लिया उनसे क्या क्या है एंड वी आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड लाइक उन्होंने बताया, और ऑब्वियसली आइसोलेशन है ये तो हमें यहीं पे रहना है, बाहर नहीं जा सकते, तो जाना भी नहीं है क्योंकि कोविड का टाइम है चल रहा है, रिस्क नहीं लेना है। तो अभी मैं फटाफट थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, चेंज कर लेता हूँ एंड क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी एंड उन्होंने कहा लंच अभी वो पहुँचाएंगे तो देखते लंच का इंतज़ार करते तो मैं आपको बताता हूँ लंच कैसा है। नॉनवेज जो मील है, वेज नॉनवेज है, तो मैंने नॉनवेज सेलेक्ट किया ऑब्वियसली। तो उन्होंने कहा नॉनवेज सिर्फ रात में होता है, दिन में ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली वेज होगा, अंडा वगैरह मिलेगा और लंच वेज होगा। तो लेमन ट्री होटल है ये अंधेरी में, और वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई भी होगा अच्छा, और आपको मिलता हूँ बाद में। सो गाइस दिस इज़ अ रूम, अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। बहुत पहले दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। ओके सो लेट्स बिगिन, दिस इज़ द वॉशरूम, स्पेशियस, ये रहा मैं, यहाँ पे एक बड़ा मिरर है एंड यार द रूम स्टार्ट्स। सो ये एक उन्होंने कहा मुझे, पहले आप देख लीजिए रूम काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे एक सोफ़ा है, 2 चेयर्स है, एक डाइनिंग टेबल है, टीवी है अलग से एंड दिस टीवी, दो टीवी है, यहाँ पर भी एक टीवी है और यहाँ पर भी एक टीवी है, वाह। एंड दिस इज़ द बेड एंड यहाँ पे भी एक बड़ी सी चेयर है, ये पेंटिंग है और बाहर का व्यू देखते हैं कुछ। व्यू इतना खास नहीं है बट चलेगा, रूम तो अच्छा है। सो ऐसे इन्होंने टेबल रखे है रूम के बाहर, इसी पे खाना दिया जाएगा।
सो गाइज, लंच इज़ फाइनली हियर। राइस, सैलड, कर्ड, पिकल, दाल और एक सब्जी। प्रॉपर आइसोलेशन लग रहा है ये। इसमें क्या है, एक रोट चपाती है इसमें, और ये है स्पून। सो खाना आ गया है, जैसे मैंने बताया आपको, दिखाया मैंने, तो फटाफट से चेंज करके मैं पूजा से बात कर रहा था कि मैं पहुंच गया, उसको रूम वगैरह दिखा रहा था, तो फटाफट से मैं चेंज कर लेता हूँ एंड खाना खाता हूँ, क्योंकि अभी गर्म है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाद में मिलेगा नहीं। तो यही है एक आइसोलेशन में रहने का डिसएडवांटेज। जब मैं कोरिया में भी लास्ट शिफ्ट से साइन ऑफ किया था मैंने, तभी वहाँ पे भी ऐसे ही खाना हमको दे रहे थे, मतलब बाहर रख के जा रहे थे, बट वो खाना तो उनका जो खाना है वो अलग ही था। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कैसा था खाना, वो तो खाने भी नहीं हो रहा था। ये तो एटलीस्ट इतना अच्छा है कि हम लोग अभी इंडिया में और मुंबई में हैं, तो खाना एटलीस्ट दाल राइस वगैरह मिल रहा है तो पेट भर सकते हैं। तो फटाफट से चेंज करता हूँ और खाता हूँ, खाने के बाद आपको मिलता हूँ। ठीक है खाना, और ज़्यादा टेस्टी भी नहीं है बट खाने लायक है, अनलाइक कोरिया में था जो सैलड है, दही है, दाल राइस है, सब्जी है और चपाती है। तो इट्स फाइन, देखते रात में क्या होगा। चाय वाय तो इधर सब, यहाँ पे सब है, चाय का सैशेज वगैरह रखे हुए हैं, गर्म पानी भी है, पानी के बॉटल्स भी काफ़ी सारे रखे उन्होंने। मैंने ऑलरेडी गर्म पानी मैंने केटल में रख दिया था, क्योंकि तो गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो खाना खाता हूँ, बाद में मिलता हूँ। सो गाइस, ये है जो प्रोसीजर्स है होटल का, मोस्टली जो होटल क्वारंटीन के लिए होते हैं, तो उन्होंने ये मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं। तो आप एक बार दे सकते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, कि बाहर जाना अलाउड नहीं है, कोई आपको मिल नहीं सकता, कुछ आप ऑर्डर नहीं कर सकते, एंड आपका रूम क्लीन पहले होगा और लास्ट में होगा, बीच में आप नहीं कर सकते, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं कि ऐसे होता है सब कुछ क्वारंटीन होटल भी। होटल में आप रहते हो तो क्वारंटीन जो डिक्लेयर किया हुआ है, मतलब आपको अगर क्वारंटीन आइसोलेशन में रखते हैं तो ऐसे ही सब रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके, कि आपको अलाउड नहीं होता बाहर जाने, और आपकी जो की होती है मोस्टली वो भी वन टाइम यूज़ होती है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं, बट जब मैं नीचे जा रहा था कोविड टेस्ट के लिए, तब मेरी की काम नहीं कर रही थी, तो मुझे नीचे जाना पड़ा वापस लॉबी में और उनको बताना पड़ा, तो उन्होंने शायद वापस एक्टिवेट किया, क्योंकि बहुत लोग ने तो ऐसे निकल जाते मालूम नहीं पड़ता। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, बोर होता है बट आपके सेफ्टी के लिए आपको होटल में, मतलब रूम में आपके रहना पड़ेगा। और क्या करें, बैठे इंतज़ार करिए, टीवी देखिए, मोबाइल देखिए, और क्या है बस, और कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो मैं जाकर आ गया था कोविड टेस्ट करके, फिर मैंने चाय पी, थोड़ी चाय ठीक थी, और अभी मैं थोड़ा देखूंगा, कुछ टीवी वगैरह देखता हूँ, या फॉर्म भी था उन्होंने दिया था, मैंने भर लिया, जिसमें नाम वगैरह अपने डिटेल्स जो चेकआउट के टाइम देना है, और अभी मैं वेट करता हूँ, और थोड़ी देर बाद पूजा से बात करूँगा घर पर, और फिर देखता हूँ क्या करना है। टाइम पास ही करना पड़ेगा, और कुछ टाइम तो जाने वाला नहीं है, आप किसी से मिल ले सकते तो। तो ये एक है कोविड का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, अगर अभी कोविड नहीं होता तो मैं घर से सीधा एक जिस दिन ज्वाइनिंग है उसी दिन निकलता, बट क्या करें अभी। तो चलिए, आपको मिलता हूँ बाद में। सो गाइस, अभी मुझे कॉल आया, मैं सोया था कि कोविड टेस्ट होने वाला है रूम नंबर 108 में, और आप उसमें जाइए, तो मैं जा रहा हूँ अभी 108 में। मैंने बोला कि अभी होगा टेस्ट तो आप वो रूम में चले जाइए। सो नाउ आई एम गोइंग डाउन इन रूम नंबर 108, लेट्स सी। सो गाइस, फाइनली कोविड टेस्ट हो गया है चौथा, एंड मैं वापस जा रहा हूँ रूम, पहुँच गया हूँ। तो खाली खाली है पूरा सब, 300 पहुँच गया, और यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, उजाला करते। ओके,
सीन ऐसा है कि अभी मैं नीचे गया था तो जो बाकी क्रू है जो लोग थे, तो उसमें से पंपी ने मुझे बताया कि जॉइनिंग 9th का है। तो मैंने उसको पूछा 9th का किसने बताया, तो वो बोल रहा था कि शिप से उसका कोई कांटेक्ट है, कोई तो शिप पर है, एंड उन्होंने कहा उसको कि 9th का जॉइनिंग है, कल कुछ इंस्पेक्शन है, वेटिंग इंस्पेक्शन, एंड उसके बाद लेके जाएंगे। ऑफिस में भी किसी ने उसको बोला ऐसा, तो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था कि क्या 9th है तो फिर अभी मैं यहाँ पे क्यों रहूँ, फिर आज तो 4 तारीख है, 5 दिन और फिर से कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे मन में ऐसा आया कि मैं ऑफिस में फ़ोन करके पूछूँ कि जा सकते हैं क्या, वापस आ सकते हैं, तो थोड़ा और 2 दिन मिल जाएगा घर पे रहने। तो जैसे मेरा कोविड टेस्ट ख़त्म हुआ जैसा आपने देखा, और तो फिर मैंने कॉल किया ऑफिस में उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं जॉइनिंग परसों का ही है 6th का, कल वेटिंग इंस्पेक्शन है तो वो कल हो जाएगा, एंड देन आफ्टर दैट डे आफ्टर टुमारो हम आपको कनेक्ट कर देंगे, ऐसा हमें इन्फॉर्मेशन मिला है। 9th को तो बहुत, मुझे भी ऐसा डाउट है कि 9th तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, इतने जल्दी उन लोग होटल में भी रखेंगे नहीं, कुछ हो जाता है अगर ऐसे तो पहले इंट्यूशन आ जाता तो मालूम पड़ जाता। तो अभी के लिए फ़िलहाल 6th की ज्वाइनिंग है और कोविड टेस्ट हो गया जो कि वैलिड रहेगा, आई थिंक 72 आवर्स का रिपोर्ट होगा ये, तो वापस करना ना पड़े। एंड अभी वापस आ गया हूँ, अच्छी नींद लगी थी दोपहर में, तो अच्छा हो गया सो गया मैं, क्योंकि मैं सोया 2 घंटा, तभी उसके बाद ही कॉल आया 4:30 4:45 को, वरना मैं नहीं सोता तो मेरी नींद आधी रह जाती एंड देन फिर वो सिर दुखता है, नॉल वो नहीं हुआ। और अभी थोड़ा चाय वाय पीता हूँ, थोड़ा फ्रेश होगा, एंड देन पूजा से बात करता हूँ, घर पे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है अभी। एंड रात का खाना तो कितने बजे आएगा पता नहीं, देखते हैं, तो मिलता हूँ मैं आपको बाद में। सो गाइस टाइम हो गया है 9:30 और डिनर आया नहीं था अराउंड 9 बजे तक, क्योंकि टाइमिंग उन्होंने लास्ट लिखा था 9 बजे का, तो मैं वेट कर रहा था, बहुत भूख लगी थी बिकॉज शाम को भी कुछ खाया नहीं, लंच किया था तो 1:30 बजे के करीब 2 बजे के करीब, उसके बाद कुछ नहीं खाया तो बहुत भूख लगी थी, चाय भी थी सिर्फ मैंने, तो मैंने उनको कॉल किया कि अब तक आया नहीं डिनर, मुझे लगा था आ जाएगा 8 बजे तक बट नहीं आया, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपको वेज चाहिए नॉन वेज चाहिए, तो मैंने कहा नॉन वेज चाहिए, तो अभी डिनर आया हुआ है, जस्ट 9:23 हो गए अभी। उसके वजह से भी हो सकता है क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर हूँ, बाकी सब लोग 5th फ्लोर पर है, तो उनको उनसे शायद भूल हो गई होगी कि खाना देने के लिए, तो ऐसे टाइम में आपको कॉल करना पड़ता है वरना भूखे बैठे रहोगे। कल से तो मैं और जल्दी कॉल कर दूंगा आने के लिए, तो अभी देखते हैं डिनर में क्या है, नॉनवेज तो पूछा है, अभी देखते हैं नॉनवेज में क्या है। मेरा डिनर ये फ्राइड राइस है, ये सैलड है सुबह की तरह, ये शायद वेज मंचूरियन है, ये चिकन मंचूरियन है, तो उन्होंने पूछा था वेज नॉन वेज, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा बॉल दिया है, बस ये मुझे पता नहीं क्या है, बस इतना ही डिनर है। क्वांटिटी है ना काफ़ी, मतलब टाइम गैप बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी खाने की कम है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मुझे अगर भूख लगी तो मैं दोपहर में भी कुछ मंगा लूँगा, मतलब सुबह अगर ब्रेकफास्ट होने के बाद भूख लगेगी या दोपहर को खाने के बाद लंच के बाद भूख लगी तो शाम को भी मैं कुछ मंगा लूँगा। आप ऐसा मंगा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाने के लिए कभी कोई मना नहीं करेगा, भूखे रहने से अच्छा है कि आप मंगा लो कुछ खाने के लिए अलग से एंड देन आप पे कर दो और फिर बाद में रीइंबर्स करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बिकॉज आपको भूख लग रही है और खाने की क्वांटिटी इतनी लिमिटेड है तो ऑब्वियसली आपको खाना तो ज़रूरी है भाई, अभी एक तो कोविड चल रहा है और आपको हेल्दी रहना है तो खाना तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए कल देखता हूँ मैं क्या, अभी तो मुझे बहुत भूख लग रही है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे आवाज़ से, तो फिर मैं फटाफट ही खाना खाता हूँ और आपको मिलता हूँ बाद में। सो गाइस मेरा खाना हो गया है और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो खाना टेस्टी लगा ही नहीं, भूख लगी थी इसके लिए मैंने खाया, बट अगर टेस्ट का मैं टेस्ट के हिसाब से मैं बोलूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा खाना, बहुत फीका फीका खाना था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोविड पेशेंट्स हैं यहाँ पे और हम लोग को खाना दिया जा रहा है ऐसा फीका फीका, थोड़ा तो टेस्टी होना चाहिए था। लास्ट टाइम मैं जब रुका था जॉइनिंग के टाइम तभी मैंने ऑर्डर किया था तो बहुत अच्छा खाना मिला था, पता नहीं अभी इन लोग ये ऐसे खाना क्यों दे रहे हैं, अभी क्या करें, बट खाना तो पड़ेगा ही, अभी देखना पड़ेगा कल कैसा देते हैं ब्रेकफास्ट। और दोपहर का तो थोड़ा बहुत ठीक था, बट अभी का वो चाइनीज़ फ्राइड राइस था एंड ग्रेवी चिकन की दी थी उसमें भी कुछ टेस्ट नहीं था, मंचूरियन वेज था उसमें भी इतना कुछ टेस्ट नहीं था, मुझे तो मज़ा नहीं आया इतना खाने में, बट अभी क्या करें, पेट भरने के लिए खाना पड़ेगा, तो मैंने खा लिया और अभी मैं चलता हूँ, अभी थोड़ी देर में टीवी देखूँगा, फिर पूजा से बात करूँगा एंड देन आई विल स्लीप एंड आई विल सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग
और चलिए फिर आज का वीडियो यही ख़त्म करता हूँ, और कल मिलता हूँ आपसे सुबह। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू शिफ्टर्स विद सागर। आज है 5th अप्रैल, सॉरी अप्रैल बोल रहा हूँ मैं, 5th जून। और कल मैंने चेक इन किया था, आज सेकेंड डे है होटल में। और रात में मुझे लेट हो गया था सोने के लिए, अराउंड 1:30, 2 o'clock हो गया था, मैच देख रहा था मैं, तो इसलिए मैं अभी लेट उठा हूँ। आज 10 बज गए अभी, और सुबह मेरी नींद खुली थी बीच में, क्योंकि जब वो लोग बाहर खाना रखते हैं, जब वो बेल बजाते हैं रूम की, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बेल बजाई है, तभी वो ब्रेकफास्ट रख के गए होंगे अराउंड 8:30 समथिंग, तभी मेरी नींद खुली थी। बट मैं फिर से सो गया, और अभी फाइनली जाके मेरी नींद खुली है, 10 बज गए। अभी जस्ट मैं उठा हूँ, एज़ यूजल गर्म पानी पिया है मैंने 1 ग्लास। अभी मैं थोड़ा ब्रश करूँगा एंड देन आई विल हैव माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया बाहर से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइज, जैसा मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, मैं अभी नाश्ता करने वाला हूँ ऑल। जैसे ही मैंने वीडियो बंद किया, तुरंत मुझे कॉल आ गया एजेंट से। एजेंट से कॉल आया तो एजेंट ने बोला कि आपका कोविड रिपोर्ट आ गया है नेगेटिव, तो आप 1 घंटे में रेडी हो सकते हो क्या, ज्वाइनिंग आज ही है। तो मैंने पूछा आज ही है, मुझे ऑफिस से तो बोला था कल है। बोलता नहीं, आप अराउंड 12:30 तक रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी भेजता हूँ, ज्वाइनिंग आज ही है। तो यही सब होता है लास्ट मोमेंट में। मैं सोचा था आराम से बैठूंगा मस्त, आज थोड़ा रिलैक्स करूंगा, बट ऐसा ही होता है मर्चेंट नेवी में। आप होटल में बैठे हो तो आपको बोलते हैं जल्दी से कि रेडी हो जाओ, ज्वाइनिंग है। कभी शिप पर होंगे तो बोल देंगे रेडी हो जाओ, ऐसा है वैसा है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड नहा लेता हूँ, रेडी हो जाता हूँ। थोड़ा सामान बाहर पड़ा है वो डाल दूंगा, बिकॉज अराउंड 12:30, 12:45 उन्होंने बोला है कि रेडी होके नीचे आ जाओ, तो मैं गाड़ी भेज रहा हूँ। तो चलिए फिर, होटल को भी अलविदा कहने का टाइम आ गया, फाइनली ज्वाइनिंग होने वाली है। वैसे भी होटल में रह के थोड़ा आलसी ऐसा हो रहा था, बट स्टिल मेरा ये कहना है कि ऑफिस वाले लोग 1 दिन पहले बताना चाहिए, आके आपका माइंडसेट वैसा रहे, आप प्रिपेयर्ड रहे। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही कल रात में जल्दी सो जाता, सुबह जल्दी उठता एंड थोड़ा प्रिपेयर्ड रहता, बट क्या करें अभी ये सब होता रहता है इसमें। तो चलिए फिर, आपको बाद में मिलता हूँ एंड सब कुछ मैं रेडी हो जाता हूँ एंड देन सी यू लेटर। तो गाइस, ये रहा ब्रेकफास्ट, साबूदाना की खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, ये है वाटरमेलन चटनी, और ये शायद कर्ड है। तो ये है ब्रेकफास्ट, तो चलिए खाते हैं ऐसे फटाफट, निकलना भी है, आधा पौने घंटे में एजेंट आ जाएगा। गाइस आई एम रेडी, रेडी टू लीव। बैग वैग मैंने सब वापस भर दिया है, जो भी मैंने सामान निकाला था। टाइम इज़ 12:35, उन्होंने कहा था 12:45 तक नीचे आ जाना, बिकॉज 1 o'clock को गाड़ी आएगी। तो अभी मैं चलता हूँ नीचे, टाइम टू से गुड बाय टू द रूम। अभी तो शिप पर जाके रात में सोने मिलेगा, पता नहीं कब तक हैंडिंग ओवर चलेगा एंड कब साइन ऑफ है। जो चीफ ऑफिसर है ऑन बोर्ड, उनका साइन ऑफ कब है उस पर डिपेंड करता है कि हैंडिंग ओवर को कितना टाइम लगेगा। अगर है वो 2 दिन तो आराम से कर सकते हैं, वरना फटाफट करना पड़ेगा। लेट्स सी व्हाट इज़ है। अभी इमिग्रेशन कस्टम वो सब होना है, उसमें टाइम जाता है, तो मुझे लगता है बाय द टाइम वी रीच द शिप इट विल बी इवनिंग ओनली। शाम को ही पहुँचेंगे हम लोग 5-6 बजे, जल्द से जल्द अभी। तो चलिए फिर चेकआउट करता हूँ, तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज 3-3 बैग्स हैं मेरे पास। तो मैं आपको नीचे मिलता हूँ एंड मास्क वास्क भी पहन लेता हूँ एंड एक बार लास्ट चेक कर लेता हूँ, कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने रूम में। तो स्टे ट्यून। बाय बाय। तो गाइस, 12:45 से मैं खड़ा हूँ, और हम जब नीचे आए तो हमें मालूम पड़ा जो स्टीवर्ड है, एक्चुअली हमारे कंपनी में वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू है, तो वो वैक्सीनेशन लेने गया, तो उसको आने में डिले हो गया, वो अभी जस्ट आया है एंड अभी हो गया। ऊपर तो उसके रूम के की है जो एक्सेस नहीं दे रही उसको अंदर, फिर यहाँ पे हमने रिसेप्शन में बताया, फिर से कोई गया है की लेके। तो अभी हम लोग नीचे ही खड़े हैं, वो चेकआउट करेगा तब जाके गाड़ी को बुलाएंगे। गाड़ी एक बार आके वापस चली गई क्योंकि यहाँ पे बाहर अलाउड नहीं है। तो 45 मिनट से ऐसे ही खड़े हैं, अभी क्या करें, अभी सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एक आदमी छूट गया तो फिर गाड़ी वापस नहीं आ पाएगी, इतने दूर तक जाना है वापस। तो देखते हैं अभी वो आता है नीचे तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा सब होता रहता है। अभी एजेंट का भी कॉल आया नहीं, फिर से आ जाएगा कॉल कि आप लोग अब तक आए क्यों नहीं, देखते हैं बट अभी क्या होता है। तो मिलता हूँ मैं आपको बाद में।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए येलो गेट, मतलब बोट आ रही है अभी, और इमिग्रेशन कस्टम सब फटाफट हो गया और सब लोग मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और अभी बोट आ रही है सामने है बोट और हम लोग निकल रहे हैं और देखते हैं फिर शिप पर जाके क्या है। रास्ते का नज़ारा मैं आपको बताता हूँ। ये रही बोट पीछे, ये वाली है। चलिए बैग लेके उतरते हैं नीचे, लाइट आने दी होगी। ओ शिट, सामने है बार्ज भी है साथ। फाइनली मैं रूम में पहुंच गया हूँ। एक ओनर स्पेयर केबिन था, उसमें मेरे को जगह मिली है एंड आपको दिख रहा होगा मैं बॉयलर सूट में हूँ। तो अभी मैं चेंज करके नीचे जा रहा हूँ हैंडिंग ओवर स्टार्ट करने के लिए, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, बिकॉज चीफ ऑफिसर शायद कल जाने वाले, जो साइनिंग ऑफ वाले चीफ ऑफिसर है। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गया एंड देन आई टोल्ड मी टू कम डाउन, देन वी कैन स्टार्ट द हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर। तो अभी तो फिलहाल यही थक गए हैं बहुत, बट देखते हैं अभी। कल आज के रात मुझे ये रूम में रुकना है ओनर केबिन में, कल मुझे उनका रूम मिल जाएगा जब चले जाएंगे तभी। तो अभी बहुत कुछ काम बाकी है, अभी देखते कब सोने मिले, कब क्या करने मिलेगा। तो मिलता हूँ मैं आपको बाद में। ऑनबोर्ड आ गया हूँ सेफली एंड जो भी हो गया अच्छे से हो गया। अभी देखते आगे चलते, आगे बढ़ते हैं, मिलता हूँ आपको बाद में। हे गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो जो मैंने एंड किया था वो मैं जस्ट पहुँचा था शिप पर एंड चेंज करके मैं हैंडिंग और टेकिंग ओवर के लिए जा रहा था, तो वहाँ तक मैंने बनाया था। तो आज वो उसका कंटिन्यूशन है। तो अभी मैं बता दूँ आपको कि एक हफ्ता हो गया है एक्चुअली मुझे वीडियो बनाने बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी मैं मेरे केबिन में आ गया हूँ, बट अभी एक हफ्ता हो गया एक्चुअली। हम लोग मुंबई में थे तो मुंबई में ऑपरेशन ज़्यादा थे, डिस्चार्जिंग चल रही थी। तो डिस्चार्जिंग करके जब हमारा नेक्स्ट वॉयज ऑलरेडी फिक्स था, मतलब नेक्स्ट कार्गो जो है वो गुजरात से लोडिंग था, और उसका टैंक क्लीनिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया मतलब टाइम नहीं था उसके टैंक क्लीनिंग के लिए, बिकॉज गुजरात मुंबई से अराउंड वन एंड हाफ डेज है, बट हमें टैंक क्लीनिंग करनी थी तो हमें 3 दिन लग गए। एंड उसके बाद हम लोड करके निकले, तो उसमें भी मैं काफ़ी बिजी हो गया बिकॉज मैं नया हूँ एंड ऑब्वियसली मुझे थोड़ा फैमिलाइज करना है पूरे शिप से, क्या है क्या नहीं, और थोड़ा सेटअप करना था प्रॉपरली। तो वो हो गया फाइनली, आप देख सकते हैं मेरी दाढ़ी भी बढ़ गई, टाइम नहीं मिला कुछ करने के लिए। एक्चुअली केमिकल टैंकर में यही है, अगर थोड़ा लंबा रन मिले तो अच्छा है, वरना शॉर्ट वॉयजेस करेंगे तो जैसे लास्ट शिप पे था वैसे ही रूट अगर मिलता रहा तो टाइम बहुत कम रहता है, सब मैनेज करना पड़ता है। तो फाइनली सब कुछ सही चल रहा है, अभी सब सेट हो गया है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जो मेरा जॉइनिंग वाला वीडियो है। मुझे टाइम नहीं मिला, थोड़ा लेट हो गया है एंड मैं ऑलरेडी ऑन बोर्ड हूँ अभी, अब तक लोगों को पता नहीं होगा। तो थोड़े वीडियोस डालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बिकॉज जब भी मुझे टाइम मिलेगा बीच बीच में मैं डालूंगा। थोड़ा नेट है बट ज़्यादा नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना मैं जल्दी डालने ट्राई करूँगा। और आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मैंने देखा बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मुझे अभी जितना भी टाइम मिलेगा बीच बीच में मैं रिप्लाई करते रहूँगा। थोड़ा अगर नेट का ऊपर नीचे होता है कभी कभी, वाईफाई का सिग्नल नहीं मिलता या मैं बिज़ी रहूँगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो यही कहना था मुझे, वीडियो को ऐसे ही आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया तो, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए एंड इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब कीजिए।